देखिए हमारे भाई बाइक पर बैठ गए हैं बाइक का गियर समझाने के लिए, तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स को भाई हमारे हाय करें, एक बार हाय कर दीजिए हमारे व्यूवर्स को। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस आज का इस वीडियो में हम बताएंगे अपाची RTR का गियर कैसे लगाते हैं। अपाची RTR का गियर लगाने सभी भाइयों का आता है, लेकिन कुछ कुछ भाई ऐसा होते हैं जो नया होते हैं और नया फर्स्ट बार गियर लगाने के लिए नहीं जानते हैं। तो आज का इस वीडियो में यही कवर करेंगे, जो नए भाई हैं अपाची RTR का गियर लगाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और मेरे साथ एक गौरव भाई हैं जो कि यहाँ पे हैं, वो अभी अपाची RTR को गियर लगा कर दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर से गियर लगा के बताते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ कि अपाची RTR का गियर का नंबर लिखा हुआ होता है। जो नया भाई रहेंगे उनको पहले मैं दिखा देता हूँ कि इसका गियर कैसे होता है, और उसके बाद में मैं प्रैक्टिकली इनसे करवा के गियर लगवा के आपको दिखाता हूँ। तो चलिए आपका समय नहीं गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। गाइस ये है अपाची RTR 180cc का बाइक, और गाइस अपाची RTR 160cc का बाइक आता है। बस सीसी का फ़र्क होता है, बाकी गियर दोनों में सेम ही लगता है। तो गाइस इस बाइक का गियर नंबर सबसे पहले मैं दिखाने के लिए बोला हूँ, तो देखिए गियर नंबर कहाँ पे लिखा हुआ रहता है। गियर के पास फोकस करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि गियर नंबर कहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो गाइस यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे गियर नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा गियर नंबर फोकस करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा सबसे नीचे की ओर एक लिखा हुआ है, सबसे नीचे की ओर एक नंबर लिखा हुआ है। आपको कैमरा में थोड़ा देखने में कठिनाई हो सकता है, लेकिन सबसे नीचे की ओर एक लिखा हुआ है। ऊपर उसके ऊपर थोड़ा सा गियर को उठाते हैं तो न्यूट्रल आता है, और उसके ऊपर गियर को उठाते हैं तो दो नंबर, और उसके ऊपर गियर को उठाते हैं तो तीन नंबर, और उसके ऊपर गियर को उठाते हैं तो चार नंबर, और उसके ऊपर गियर को उठाते हैं तो पाँच नंबर। यानी कि गाइस सबसे नीचे की ओर एक नंबर गियर है, उसके ऊपर न्यूट्रल आ जाता है, और उसके बाद दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर ऊपर की ओर हो जाता है। तो गाइस ये तो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, अगर आपको इस वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो अपने बाइक में देख कर समझ लीजिएगा। बाकी अभी आपको प्रैक्टिकली करके यहाँ पर गौरव भाई हमारे दिखाएंगे कि कैसे इस बाइक में गियर लगता है, ताकि जो भी मेरे नए भाई हैं वो बिल्कुल आसानी से सीख जाएं और कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए गौरव भाई को मैं बुलाता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे गियर लगता है अपाची RTR में। देखिए हमारे भाई बाइक पर बैठ गए हैं बाइक का गियर समझाने के लिए, तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स को भाई हमारे हाय करें, एक बार हाय कर दीजिए हमारे व्यूवर्स को। तो हाय कर दिए हमारे भाई, आप सब सपोर्ट करिएगा। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि गियर कैसे लगते हैं। तो सबसे पहले भाई बाइक को स्टार्ट कर लीजिए, स्टार्ट करके बताएंगे कि गियर कैसे लगता है। और मैं बैक कैमरा से शूट कर रहा हूँ, अभी फ्रंट कैमरा को ऑफ करता हूँ। गाइस देखिए हमारे गौरव भाई बाइक पर बैठ गए हैं और बाइक को स्टार्ट कर लिए हैं, और गौरव भाई से हम चाहेंगे कि सबसे पहले एक नंबर गियर को लगा के दिखाइए। तो एक नंबर गियर कैसे लगता है देखिए, नीचे की ओर डाउन कर रहे हैं, पूरा डाउन कर दिए नीचे की ओर, पूरा डाउन करके नीचे की ओर एक नंबर डाल दिया। और थोड़ा सा आगे बढ़ा के दिखाएंगे गौरव भाई हमारे, थोड़ा सा बस देखिए एक नंबर में गाड़ी रन हो रहा है, बस रुक जाइएगा, एक नंबर में गाड़ी रन हो रहा है। अब चाहेंगे कि न्यूट्रल गियर लगाइए तो उसके ऊपर बस एक पॉइंट करना है, देखिए न्यूट्रल हो गया, उसके ऊपर एक पॉइंट किए और न्यूट्रल हो गया। और अब चाहेंगे कि दो नंबर गियर लगा के थोड़ा सा रन करके दिखाइए, तो दो नंबर गियर ले लिए, अब देखिए रन करके दिखाएंगे। तो रन करिए हमारे भाई, रन करने लगे, देखिए दो नंबर गियर लग गया। और गाइस बस ऐसे ही इसमें सिस्टम काम करता है, यहाँ पे देखिएगा अब इसके ऊपर जाइएगा गियर को, ऐसे लीवर को, गियर लीवर को उठाइएगा ऊपर की ओर तो तीन नंबर लगेगा, उसके ऊपर उठाइएगा चार नंबर, और फिर उसके ऊपर उठाइएगा पाँच नंबर। और गाइस उसको डाउन करने के लिए, गियर को डाउन करने के लिए उसको नीचे की ओर लाइएगा तो चार नंबर होगा, और उसके नीचे की ओर दाबिएगा तो तीन नंबर होगा, और उसके नीचे की ओर दाबिएगा तो दो नंबर, और उसके नीचे की ओर दाबिएगा तो न्यूट्रल जाएगा, और उसके नीचे की ओर करिएगा तो फिर से गाइस एक नंबर गियर लग जाएगा। तो गाइस लगाने के लिए और गियर को ख़त्म करने के लिए इस वीडियो में मैं कवर किया हूं, और हम और हमारे गौरव भाई दोनों मिल के इस वीडियो को बनाया हूं और बहुत मेहनत लगा है। तो गाइस हम चाहेंगे कि हमारे लिए इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे गौरव भाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।